हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोविंद दुबे। आई एम फ्रॉम क्लास 11P एंड टुडे आई एम टॉक टू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ब्रीथिंग में हम सिंपली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ब्रीथिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस डेट इन्वॉल्व इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लगातार प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंपली इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो होती है वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट होती है। द अदर साइड रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम फूड को ब्रोक करके उससे जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस इज़ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, फारिंग्स, लारिंग्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल दैट फाइनली टर्मिनेट्स इनटू एल्वियोली। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल होता है, फारिंग्स, लारिंग्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, और जो कि एंड होता है एल्वियोली पे। नेजल चैम्बर ओपन इनटू फारिंग्स दैट लीड टू लारिंग्स। लारिंग्स कंटेन वॉइस बॉक्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, डैट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, जो कि हेल्प करता है हमें साउंड प्रोडक्शन में। ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होता है उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स टाइप होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग से, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ईच ब्रोंक्यूल टर्मिनेट्स इनटू एन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली। और हर एक ब्रोंक्यूल जो होता है वो कि टर्मिनेट होता है एल्वियोली पे। थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोली कलेक्टिवली फ्रॉम द लंग्स। लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर प्लूरा हैविंग प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। और दोनों जो लंग्स होते हैं हमारे, उन दोनों के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड की बनी होती है। ये हेल्प करती है करने में। ब्रीथिंग मैकेनिज्म इंस्पिरेशन। एटमोस्फेरिक एयर इज टेकन इनसाइड ड्यू टू लोअर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। द पल्मोनरी वॉल्यूम इज इंक्रीज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंट्रोकोस्टल मसल। रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप एंड द एयर मूव्स इनटू द लंग्स। इंस्पिरेशन में जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो लो हो जाता है और डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे एयर जो है लंग्स में मूव कर पाती है। एक्सपिरेशन एयर, एल्वियोलर एयर इज एक्सपिलेटेड आउट ड्यू टू हाई इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर इंक्रीज विद द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल। रिब्स स्टर्नम एंड द डायफ्राम रिटर्न टू द नॉर्मल पोजिशन। इसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, जिससे जो डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे एयर जो होती है वो बॉडी से आउट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है। एंड जी स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर इज एन एपरेटस फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इससे हम ये मेज़र कर सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम हमने एयर बाहर निकाली और कितनी